गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए बॉलीवुड के ये 8 सितारे। एक गलती ने डुबा दी सालों की इज्जत। नंबर 1, मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की कुछ तस्वीरें लीक होने के बाद तो हड़कंप मच गया। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद दोनों के लिंकअप की खबरें सामने आने लगी। इसके बाद इनका फिल्मी करियर चौपट हो गया। एक डॉन से संबंध होने के बाद मंदाकिनी को इंडस्ट्री में काम मिलना इतना मुश्किल हो गया कि उन्हें छोटा सा रोल भी देने के लिए लोग कतराने लगे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मंदाकिनी ने फिल्मी दुनिया में कमबैक भी किया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और इसके बाद मंदाकिनी का फिल्मी करियर तो चौपट हो गया। नंबर 2, राजकुंद्रा। राजकुंद्रा को पॉर्न फिल्में बनाने के जुर्म में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया और उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी का करियर भी दांव पर लगा दिया। जी हां, आपको बता दें, राजकुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 को पुलिस रिमांड पर भेजा था। राजकुंद्रा एक विदेशी ऐप के लिए पॉर्न फिल्में बनाते थे जिसकी शूटिंग मुंबई के मध्य आइलैंड एरिया में होती थी। राजकुंद्रा के जेल जाने के बाद शिल्पा शेट्टी की आने वाली फिल्म हंगामा 2 पर बुरा असर पड़ा था। आपको बता दें कि हंगामा 2 से एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में दोबारा से कमबैक किया था, लेकिन उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही। नंबर 3, शक्ति कपूर। शक्ति कपूर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसे अपशब्द रिपोर्टर को कह डाले जिसकी वजह से सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि उनकी बेटी श्रद्धा कपूर का करियर भी दांव पर लग गया था। साल 2005 में टीवी रिपोर्टर को शक्ति कपूर ने अपशब्द कहे थे। शक्ति कपूर का कहना था कि वो उन्हें प्यार करते हैं और अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं तो वो उन्हें वो सब देंगे जो वो चाहते हैं, नाम, फेम, काम, लेकिन इसके बदले शक्ति कपूर को उन्हें वो देना पड़ेगा जो शक्ति कपूर उनसे चाहते हैं। जी हाँ, दरअसल शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बदले उनसे कुछ ना कुछ फेवर चाहते थे। ये बात भले ही साफ तौर पर सामने ना आई हो, लेकिन शक्ति कपूर की उल जलूल बातों में ये साफ नजर आ गया था कि वो रिपोर्टर को सेक्सुअल हैरेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शक्ति कपूर की खूब ज्यादा फजीहत हुई थी। यहाँ तक कि इसका बुरा असर श्रद्धा कपूर के करियर पर पड़ा। नंबर 4, संजय दत्त। संजय दत्त को साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। संजय के घर से AK-56 राइफल सहित कई और चीजें बरामद की गई थी। इस मामले में संजय ने जेल और कोर्ट के कई चक्कर भी काटे। नंबर 5, शाइनी आहूजा। साल 2011 में शाइनी आहूजा पर उनके मेड ने रेप का आरोप लगाया। शाइनी को दोषी पाया गया और उन्हें 7 साल की सजा हुई। साल 2015 में आई फिल्म वेलकम बैक में उन्होंने छोटा सा रोल किया था, लेकिन ये रोल दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद शाइनी आहूजा का फिल्मी करियर ही बर्बाद हो गया। नंबर 6, विजय राज। साल 2005 में दीवाने हुए पागल की शूटिंग के बाद विजय राज को आबू धाबी पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा था। इन दिनों विजय राज फिल्मों में कम ही नजर आते हैं। दरअसल इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स और कोकेन के मामले में पकड़े जाने के बाद विजय राज को इंडस्ट्री में काम मिलना दुर्भर हो चुका था। नंबर 7, श्वेता बासु प्रसाद। साल 2014 में श्वेता बासु प्रसाद को प्रोसिक्यूशन में पाया गया। पुलिस ने उन्हें हैदराबाद के एक होटल में रंगे हाथों पकड़ा था। आपको बता दें कि बाद में उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया था। खैर, श्वेता इन चीजों से दूर है और अपने करियर पर ध्यान दे रही है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में अब भी वो बहुत नीचे हैं। नंबर 8, अमन वर्मा। अमन वर्मा टीवी की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब हाथ पैर मारे, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन ने तो उनकी दुनिया ही बदल डाली। एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में अमन वर्मा एक लड़की को काम देने के बहाने सेक्सुअल फेवर मांगते हुए पकड़े गए थे। नंबर 9, फरदीन। साल 2001 में फरदीन को कोकीन खरीदते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने उन्हें मुंबई के जुहू इलाके से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, फरदीन खान अपनी पॉपुलैरिटी के मामले में चरम पर थे, लेकिन इंडस्ट्री में उनका नाम जब सामने आया तो उनसे सबने दूरियां बना ली। इस तरीके से गैर कानूनी कामों में तब उन्हें बहुत ज्यादा सुर्खियां मिली, लेकिन साथ ही उन्हें नेगेटिव फेम भी मिला। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।